Thank you.
कुड़ियां वर्गी कुड़ियां चिड़िया वर्गी जिन्हों कह लो है तो अध्यापक है पर बड़ी निकी निकी गल साढ़े वो पढ़े लिखे साढ़े टीचर वर्ग ने जेडे एडवांस टेक्नोलॉजी को बहुत छेती पकड़ते हैं साड़ी जिन्हें भी सोशल मीडिया दिया आत्मबल स्कूल के पेज के उत्ते जिन्हिया भी गतिविधियां चल रही ने या साढ़े होर बहुत काम कर कंप्यूटर नाल जुड़े हुए ये सारे साढ़िए धिया वर्गी जी मैडम है ये कर दी मीनाक्षी मैं मीनाक्षी को भी कहूँगा क्योंकि तुम वर्ल्ड नू अपने टैलीविजन के उत्ते जां अपने कंप्यूटर की स्क्रीन से बहुत नेड़े करके जूम करके देखा होगा अज आप दुनिया घूम निकले हैं इतने अपना ये एक दो गलों के अनुभव अपना कल का शेयर करना हो अपने आत्म पवल स्कूल की समुची टीम के सामने तो की अनुभव ने गुड आफ्टरनून एवरीवन फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स टू एपीएस फैमिली दैट आई वुड लाइक आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू विन द फॉरेन टूर नाउ आई वॉन्ट टू से दैट the first thing I admire in this country is that the aesthetic sense. Every time Dev sir हमें बताते रहे हैं कि aesthetic sense पे काम कीजिए. Every tree, every building is in a systematic matter. So जो हर एक गाड़ियाँ हैं या हमारे यहाँ के कोई भी चीज़ आ रही है हम देख रहे हैं सिर्फ वॉच कर रहे हैं तो वो हमें देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसके पीछे aesthetic sense है और उसके ऊपर हम भी काम कर रहे हैं हमारी APS फैमिली भी काम कर रही है क्योंकि हमें ये चीज़ सिखाई है देव सर ने और यस डेफिनेटली ये मेरे लिए सबसे बेटर अपॉर्चुनिटी रही है कि मैंने इस चीज़ को देखा है और सर क्यों इसको बोलते थे क्योंकि उन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ को देखा है उनको वॉच किया है अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर किया है और फिर उन्होंने हमें बताया भी है किस तरीके से आपने इस चीज़ को ज्वाइन करना है कैसे इस चीज़ को बनाना है किस तरीके से आपने इसकी मात्रा जो है उसको नापना है और किस तरीके से इसको रखना है हर एक चीज़ उन्होंने सिखाई है इसी तरीके से मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसको मैं प्रॉपर टाइप से लगा रही हूँ फर्स्टली क्या आना है सेकेंडली क्या आना है थर्डली क्या आना है सो ये सारी चीज़ें मैंने देव सर से सीखी हैं और मैं उनको हमेशा याद करती रहूँगी कि हाँ ये चीज़ जो है मुझे देव सर ने सिखाई है अगर पंजाबी की हैंड राइटिंग जो है वो मुझे देव सर ने सिखाई है हर वक्त हर टाइम उनका नाम मेरे मन में मेरी जुबान पे रहेगा ही रहेगा और आप इस वीडियो में सिर्फ उनका ही नाम सुनोगे मेरे मुंह से ये डेफिनेटली मैं अपने मन से कह रही हूँ और हमेशा कहती रहूँगी एंड थैंक्स टू देव सर एंड आई मिस अ लॉट थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया मैम आप जरूर सोचते होवोंगे कि जो 3500 बच्चा है वो जो तीन किंज निकल गए किन्ने क जिहड़े मुकाबले चो बाहर आए होणगे मैं अजे सिर्फ उन्होंने थोड़ा थोड़ा थोड़े नाल मुलाकात ही करवानी है उन्होंने तो मैं अमेश नूं कहूँगा कि वो साढ़े कोल आवे ये साडा वो गभरू है जो पिछली तीन वारी आप इत्थे आए हैं तो जिहड़ियां साडियां लड़कियां तिन्ने वारी विन करदियां रहियां ये पहला गभरू आ जिन्हें यार का विन किया साढ़े नाल सानूं बड़ी खुशी हुई कि लड़कियां चों भी एक ने बाजी मारी है बहुती वारी नहीं तो साडा एक गायक बोलता था बाजी मार गया बठिंडे वाला गभरू यारका बठिंडे वाला नहीं पटियाले गभरू पटियाले वाले ने यारका बाजी मारी है तो मैं चाहूँगा कि एक अद्धी गल जरूर तुम्हें साढ़े नाल सांझी कर फिर अगलिया जिते जिते आप खलवोंगे आप अगली वीडियो जो भी आप शूट करा इन बच्चों तो शुरू करा करेंगे इस बार सिर्फ जान पछाण वास्ते उमेश की जी एक अद्धी गल वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जैसे कि आज वो दिन आ गया जिसका हम कई सालों से वेट कर रहे थे ऑलमोस्ट 2 ईयर्स कॉम्पिटिशन सर ने हमें शुरू करवाया था हमें सर ने अपॉर्चुनिटी दी थी कि आपको अगर सर ने हमारे सामने गोल रख दिया था आपने इस गोल तक पहुंचना है तो सर ने हमें एक रास्ता दिखा दिया था कि इससे आपने मेहनत करनी है ऐसे इस सही डायरेक्शन में आपने मेहनत करनी है तो आप इस गोल तक ज़रूर पहुँचोगे सर ने हम सबको वो रास्ता दिखाया था तो उसी रास्ते का हमने पालन किया और आज हम आपके सामने यहाँ खड़े हैं मैं हूँ हमारे साथ जीते थे इश्ता और उनजिला खान हमारे टीचर जैसे कि आपसे इंट्रोड्यूस हो ही चुके हैं ये दीप्ता मैम एंड मीनाक्षी शर्मा मैम सर ने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की थी कि आप अगर कुछ नया सीखना चाहते हो कुछ नया देखना चाहते हो तो आपको इस रास्ते पर चलना पड़ेगा आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी बट अनफॉर्चुनेटली आज सर ही हमारे बीच में नहीं है पर उनके ड्रीम्स उनके सपने उनके जो आइडियाज़ थे जो उनका मोटिवेशन थी वो आज भी हमारे बीच में और हमेशा रहेगी और मैं मोहित सर का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने सर के आइडियाज़ को उनके थॉट्स को उनके ड्रीम्स को आगे बढ़ाया और उसे मतलब वहीं नहीं छोड़ दिया उनको आगे बढ़ाया हम सबको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की
और थैंकफुल मैं प्रतीक सर का भी हूँ, हमारे प्रिंसिपल मैम अंकिता मैम का भी हूँ, कुसुम मैम का भी हूँ, कोमल मैम का भी हूँ, सारे एपीएस टीम का मैं थैंकफुल हूँ कि उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। आज हम अगर यहाँ पर खड़े हैं तो सर की वजह से ही खड़े हैं, सर ने हमें इतना हमें काबिल बनाया कि आज हम आपके बीच में खड़े हो गए, हम अपने आपको प्रेजेंट कर पा रहे हैं आपके सामने। तो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। क्योंकि जिन्ना गड्डिया चार पाँच इतने तक पहुंचे हैं इस मारू थल के बियाबान के चारे पासे रेता उड़ रही है, रेता के तूफान ने तो उन्होंने सू खाड़ी पाई है, फिर भी आप एक सारी है मैंने ऐसा लगता वा कि इसका माँ बाप भी एक सियाने माँ बाप की सियानी धी जी सच्यारी धी भी साढ़े नाल ने इन्हें भी विन किया जितया टूर ये टीम टूर जितना कोई सौखी गल नहीं। तुम इसका कोई गल अज के समय के उत्ते जिन्ना कल का तुम पढ़िया वा बारों कोई गल करनी चाहो तो सत श्रीकाल सारियां नूं। फॉरन टूर देन का सिलसिला जिमें कि देव सर ने शुरू किया, उन्होंने साढ़े स्कूल कैलीग्राफी कॉम्पीटिशन डेक्लामेशन कॉम्पीटिशन स्टार्ट करवाया। वो कहते होंगे कि जो तुम बाहर जाओगे ना तो देखो कि सारिया चीज़ा कि सोहनिया ने, तो इतने आके असं वाकई देख रहे हैं कि सारा कुछ इन्ना वधिया है, इन्ना सोहना है, इन्ना सिमिट्री सब कुछ है, मतलब बहुत वधिया लग रहा है। पर देव सर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, हर वक्त असं देव सर नूं याद कर रहे हैं, पर फिर भी यह सारा कुछ कंटिन्यू रख रहे हैं प्रतीक सर, अंकिता मैम, मोहित सर, कुसुम मैम, कोमल मैम, उन्हों का बहुत बहुत थैंक्स। तो देव सर के असं बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ कि उन्होंने यह सारिया चीज़ा शुरू करवाई तो असं हूँ अज इतने है। थैंक यू सो मच। सब तो लास्ट सब तो स्टार जितने वाली कुड़ी है, मैं आप सोच सकते हैं कि एक पास शर्मा जी प्लस टू के बच्चे हो तेज तरार बच्चे हो जे घूरी वट के निके न्याण में उंजी डरा दे अगले दिन स्कूल ही ना आए, पर एक उंजला खान है साढ़े जो किसी तो अपने आप को विन किया उन्हें अगे निकली आ जा भी आ जाओ आ जाओ आज कम तो यह कुड़ी जी ना कल की डरी अपने मापिया को आई नहीं तो बहुत ही बारी एडिया कुड़िया कित नानके चले जा सारी रात रीली कर दिया रहा मम्मी को जाना मम्मी को जाना, एक बार माँ को याद नहीं किया ये मम्मी डैडी यदा सारा परिवार अज ये नाल है बड़ी खुश है कल की आवे गा के की बोल बोल एक दो गल। जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है फॉरेन टूर की, देव सर ने अपॉर्चुनिटी दी है फॉरेन टूर की।